नमस्ते बाळमित्रो, आज आप धोरण 4 में कुहू में स्वअध्ययन पोथी में पाठ 3 नु लेखन करीशू, जेनु नाम है शंखला नी बहन छीपली। एमां प्रश्न 1 आपणे जोईशुं, पाना नंबर 20 पर फकरानुं वाचन करो अने कौंस में आपेल विरामचिह्नों उपयोग करी फकरो फरीथी लखो। आ बधा विरामचिह्न है पूर्ण विराम, अल्प विराम, बेवड़ा अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह अने आ अनुस्वार। एनो उपयोग करी अने आज फकरो आपणे फरीथी लखीशुं। दिव्येशना प्रवेशता ज तेना मित्रों तेनी राखड़ीओ जोवा आ अल्पविराम मूकीशुं। खरीदवा टोळे वळी गया पूर्णविराम मूकीशुं। शाळामां आवेला वड फरते ना ओटले दिव्येशे बॉक्स खोलीने बधा जोई शके ते रीते राखड़ीओ गोठवी पूर्णविराम मूकीशुं। राखड़ीओ जोता ज दिया बोली अल्पविराम, अहींया अवतरण चिन्ह मूकीशुं। अरे वाह, अहीं उद्गार चिन्ह मूकीशुं। कारेलाना बीमांथी बनावेली राखड़ी, अहीं प्रश्नार्थ चिन्ह मूकीशुं। मैं तो पहली ज वार जोई पूर्णविराम मूकीशुं। अवतरण चिन्ह पूरा करीशुं। त्यां ज रिया बोली अल्पविराम, अवतरण चिन्ह, दिव्येश अल्पविराम, आ राखड़ी मारी मारा माटे ने उद्गार चिन्ह। दिव्येशे हकार में माथुं हलाव्युं पूर्णविराम। मनोज बोल्यो अल्पविराम मूकीशुं। अवतरण चिन्ह, तने केवी रीते खबर प्रश्नार्थ चिन्ह अने अवतरण चिन्ह पूरा करीशुं। आ रीते विराम चिन्होनो उपयोग करी तमारे फकरो फरीथी लखवानो छे। सामेना पत्ता पर जईशुं, पाना नंबर 21 पर। प्रश्न 2, आपेला शब्दों उपयोग करी तेमां नवा शब्दों उमेरी वाक्य बनावो। एक उदाहरण आप्युं छे कि ऋतु। ऋतुनुं एक वाक्य बनाव्युं छे, पीनाकिनीने बधी ज ऋतुमांथी गुलाबी ठंडी प्रसरावतो शियाळो ज वहालो। एमां नवा उमेरेल शब्द कया छे ते लखीशुं। पीनाकिनी, गुलाबी, ठंडी, प्रसराववुं, शियाळो अने वहालो, आ नवा शब्दों वापर्या छे। एवी रीते अहींया झूंपड़ीनुं एक वाक्य बनावीशुं अने तेना नवा शब्दों नीचे लखीशुं। झूंपड़ीनी बहार एक सुंदर तोरण छे। तो नवा शब्दों छे बहार, सुंदर अने तोरण। परचूरण, अमे दीवासळी, कागळ, बटन, रूं, खोखा, सळी, पीछा जेवी परचूरण वस्तु भेगी करी। नवा शब्द है दीवासळी, कागळ, बटन, रूं, खोखा, पीछा और सड़ी। चौथु वाक्य बनाव्युं छे बॉक्सनुं। मैं दीवासळीना बॉक्स मांथी रेलगाड़ी बनावी। एमां नवा शब्द वपरायेला छे दीवासळी अने रेलगाड़ी। पांचमुं वाक्य छे विधिवत। अमारी शाळामां धोरण 8 ना बाळकोनुं विधिवत विदाय समारोह योजायो हतो। एमां नवा शब्दों छे शाळा, बाळक, विदाय, समारोह अने योजवुं। छठ्ठुं मधुर। मने कोयलनो मधुर अवाज सांभळवो गमे छे। एमां नवा शब्दों छे कोयल, अवाज, सांभळवो अने गमवो। पाना नंबर 21 पूर्ण थाय छे। आपणे पाना नंबर 22 पर आगळ जईशुं। दिव्येश तमारो मित्र छे, तमे तेनो परिचय तमारा माता पिताने केवी रीते करावशो? 10 वाक्य में लखो। तो दिव्येशनो परिचय आपणे आपणा तमारा माता पिता ने तमे केवी रीते करावशो तेना विषे तमारे अहीं दिव्येश विषे लखवानुं छे। तो आपणे लखीशुं आ मारो मित्र दिव्येश छे, जे मारी साथे मारी शाळामां भणे छे। ते भणवामां खूब होशियार छे। भणवानी साथे तेने हाथ बनावटनी वस्तुओ पण बनाववानो शौक छे। ते हाथ बनावटनी वस्तुओ बनावी अने वेचे अने थोड़ी कमाणी करे। दिव्येश कलाकार छे एटले आ वखते आचार्यए तेने रक्षाबंधननी उजवणीमां शाळामां जुदी जुदी राखड़ीओ बनावीने लाववा कह्युं। दिव्येश तेना मित्रोने जे पसंद हतुं ते मुजबनी वस्तुथी राखड़ी बनावीने लाव्यो। बधा ज मित्रोने तेने हाथथी बनावेली राखड़ी खूब ज गमी अने बधा मित्रोए दिव्येशनी बनावेली राखड़ी खरीदी। आ रीते आपणे दिव्येशनो परिचय माता पिताने आपीशुं। અહીં છે આપેલ ચિત્રો પરથી 5 પ્રશ્નો બનાવો। તો અહીં 2 ચિત્ર આપેલા છે ઉત્તરાયણના, તેના પરથી તમારે પ્રશ્નો બનાવવાના છે। આના સિવાય પણ તમે બીજા પ્રશ્નો બનાવી શકો છો। અહીં કેટલાક પ્રશ્નો મેં બનાવેલા છે। પહેલા ચિત્રમાં બાળકો શું કરી રહ્યા છે એ પ્રશ્ન બનાવ્યો છે। આ ભાઈના લારીમાં શું છે? ઝાડમાં શું ફસાયેલું છે? કોણ ફળ વેચે છે? બાળકો ક્યાં ઊભા રહીને પતંગ ચડાવે છે? આવી રીતે અહીં છેલ્લે પ્રશ્નાચિહ્ન મૂકવાનું છે. આપણે પાના નંબર 22 પૂર્ણ થાય છે. પાના નંબર 23 માં આગળ જઈશું. દીવાસળી अथवा कुल्फीनी सड़ीओ अने दोरा अथवा सूतड़ी अने गुंदरनो उपयोग करी आपेल चौरस में घर बनावो। ते घर केवी रीते बनाव्युं तेनुं वर्णन तमारा शब्दों में लखो। तो आ रीते मैं एक घर दौर्यु छे, त्यारबाद तेनी पर गुंदर लगाव्यु छे अने गुंदर उपर दीवासळीनी सड़ीओ गोठवेली छे। तेना विषे आपणे लखीशुं आपेला बॉक्स में घरनुं चित्र दौर्युं, पछी एक दीवासळीनुं बॉक्स लीधुं, दौरेला घर की बधी ज लीटी पर गुंदर लगाव्यू, त्यारबाद एक एक दीवासळी लीधी और घर की दीवाल पर ज्या गुंदर लगावेलू हतुं तेनी पर मूकती गई। घरना छापरानी जे लीटी दौरेली हती तेना पर पण दीवासळी लगावी अने आ रीते सुंदर घर तैयार थई गयुं। पाना नंबर 23 पूर्ण थाय छे। आपणे पाना नंबर 24 में आगळ जोईशुं। प्रश्न 6 आपेल शब्दनो उपयोग करी एक फक्र लखो, ते फक्राने श अने श परथी शीर्षक आपो। अहीं केटलाक शब्दो आपेला छे: सुंदर, सरोवर, आकाश, शीतळ, अतिशय, सांजे, संध्याटाणे, प्रकाश, शांत, पासे, सारस अने सब। અહીં આપણે એક ફકરો બનાવીશું। સરસપુર નામનું એક સુંદર ગામ હતું, તે ગામમાં એક સરોવર હતું। જ્યારે રાત્રે આકાશમાં ચાંદો હોય તેનો પડછાયો સરોવરના પાણીમાં પડે, સરોવરના શીતળ પાણીમાં ચાંદો અતિશય સુંદર લાગે, સાંજે વાતાવરણ રમણીય લાગે। એક દિવસ સંધ્યાટાણે જ્યારે સરોવરનું પાણી શાંત હતું ત્યારે સરોવરની પાસે एक सारसનું જોડું આવ્યું, બંને સારસનો સંપ સારો હતો। ચાંદાના પ્રકાશમાં સારસનું જોડું સુંદર લાગતું હતું। આપણે એને એક શીર્ષક આપીશું: સારસનું સંપ। પ્રશ્ન 7 પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે: દિવ્યેશ નવરાશના સમયે શું શું કરતો હતો? તો આપણે લખીશું: દિવ્યેશ નવરાશના સમયે તેના પિતાને કામમાં મદદ કરતો, તે ચાની લારીએ વાસણ માંજવા, ચા આપવી, કુલ્ફી વેચવી વગેરે જેવા કામો કરતો। દિવ્યેશે બનાવેલી રાખડીઓના નામ લખો: કારેલા રાખડી, લાકડાની રાખડી, કડા રાખડી, સૂતર રાખડી, ઘૂઘરા રાખડી, મેઘધનુષ રાખડી, ફૂલ રાખડી વગેરે દિવ્યેશે બનાવેલી રાખડીના નામ છે। પાના નંબર 24 પૂર્ણ થાય છે। આપણે પાના નંબર 25 ઉપર જઈશું। દિવ્યેશ નકામી લાગતી વસ્તુઓમાંથી શું શું બનાવતો હતો? દિવ્યેશ છીપલામાંથી હાર, બુટ્ટી અને ઝાંઝર બનાવતો, તૂટેલી બંગડીઓમાંથી તોરણ, કુલ્ફીની પેટીઓમાંથી વિમાન, ઘર, હોડી વગેરે બનાવતો। તમે નકામી લાગતી વસ્તુઓમાંથી શું શું બનાવી શકો તે લખો। અમે કાગળમાંથી હોડી, પતંગ, પાકીટ, વિમાન બનાવીએ। નકામી સાવરણીમાંથી ઝૂંપડી દોરી તેના પર સાવરણીની સળીઓ લગાવીએ। તમે નવરાશના સમયે શું શું કરો છો? અમે નવરાશના સમયે વાર્તાના પુસ્તકો વાંચીએ, બોલ બેટ, પગથિયા, સંતાકુકડી જેવી રમતો રમીએ અને મમ્મીને ઘરકામમાં મદદ કરાવીએ। તમારે રાખડીઓના નામ આપવા હોય તો કેવા નામ આપશો? ઊન રાખડી, ફૂલ રાખડી, મગ રાખડી, મોતી રાખડી જેવા રાખડીના નામ આપીશું। તમે તમારા કોઈપણ 3 મિત્રો માટે કેવી રાખડી બનાવશો? શા માટે? पहली राखड़ी बनावीशुं मग राखड़ी, मारा मित्र ने मग भावे छे एटले मग राखड़ी बनावीशुं। बीजी राखड़ीनुं नाम आप्युं छे ऊन राखड़ी, मारी सखीने ऊन गमे छे एटले ऊन राखड़ी बनावीशुं। फूल राखड़ी, मारा मित्र ने गुलाबनी सुगंध गमे छे एटले एने फूल राखड़ी बनावीशुं। सवाल 8 रक्षाबंधनना दिवसे बधाने राखड़ी बांधता जोई दिव्येशनी आंखोमां आंसू केम आवी गया? कारण के दिव्येशनी रक्षाबंधनना दिवसे बधाने राखड़ी बांधता जोई एनी 2 वर्षनी बहन ढींगली याद आवी, जेने दिव्येश खूब लाल लड़ावतो हतो अने बीमारी में सपड़ाईने जे दुनिया छोड़ीने जती रही हती, माटे दिव्येशनी आँख में आंसू आवी गया। अमांथी वस्तुओने तेनी साथे संबंधित बना वाक्य साथे जोड़ो तेने संबंधित तहेवारनु नाम लखो। पतंग, दोरा अने तलना लाडू एने आपणे आ 5 नंबर साथे जोड़ीशुं। अमे मित्रोए भेगा मळी सौ प्रथम किन्ना बांधवानुं काम कर्युं। तहेवारनुं नाम छे उत्तरायण, ए आपणे अहीं लखीशुं 5 नंबर में। रेशमनी देरी में आपणे 6 नंबर लखीशुं, ए अहीं आवशे। रक्षाबंधनना दिवसे मारी बहेने मारा हाथे रेशमनी दोरी बांधी। तहेवारनुं नाम छे रक्षाबंधन, एटले अहीं 6 नंबर आपीशुं। 3 नंबर में छे रंग, कपूर अने फूलो, एमां 1 नंबर आपीशुं। मारी मम्मीए केसुडाने पीसी रंग बनाव्यो अने तहेवारनुं नाम होळी आपीशुं। 4 नंबर में માટली, दीवो, मानी आरती, एमां 2 नंबर आपीशुं। सेजल पोतानी सखीए साथे 9 दिवस गरबा रमवा जती। तहेवारनुं नाम छे नवरात्रि। 5 नंबर में क्रिस्मस ट्री अने केक, एमां आपणे 3 नंबर आपीशुं। सेरेना प्रार्थना करवा माटे चर्च में गई। तहेवारनुं नाम नाताल आपीशुं, जेने अहीं लखीशुं। 6 नंबर में रोजा, चांद अने खीर, एमां 4 नंबर आपीशुं। आ 4 नंबर जेमां लख्युं छे रफीके नमाज पढ़ी रोजो राख्यो अने तहेवारनुं नाम छे ईद। आम आपणे पाना नंबर 26 अहीं पूर्ण थाय छे। पाना नंबर 27 में आपणे आगळ वधीशुं। प्रश्न 9, उड़े अदीठ रोज झाकड़ ने चुंदड़ी, आज एने उड़ी जती खाड़वी जीरे। छेड़ो झाली ने एनो, जोवू आकाश में, जोवू छे कोण एनो साळवी जीरे। झाकड़ ने चुंदड़ी ने उड़ती जोई तेना बनावनार ने मळवानी बाळको ने इच्छा थाय छे। तेम जो तमने पतंग नी साथे उड़वा मळे तो तमे क्या जशो अने कोने मळशो? जो आपने पतंग साथे उड़वानुं मळे तो तमने कोने मळवुं गमशे? शुं करशो तमे पतंग साथे उड़ीने? तेना विशे लखवानुं छे। मैं अहीं लख्युं छे अमने जो पतंग साथे उड़वा मळे तो अमे आकाश में पतंग साथे उड़शुं अने त्यां पंखीओने मळीशुं। पंखीओ केवी रीते उड़े छे ते अमे नजीकथी जोईशुं। अहीं प्रश्न 10 आपेलो छे। गुण में आपेला चिन्होनी मददथी आपेल मूळाक्षरनो उपयोग करी शब्द बनावो। अहीं गुण में चिन्ह आपेला छे ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वौ, दीर्घौ अने अहीं मूळाक्षरो आपेला छे, जेनो उपयोग करी उदाहरण प्रमाणे आपणे अहीं शब्द बनावीशुं। एक उदाहरण आपेलू छे कि आ त अने दीर्घई अने र तो तीर, एवी रीते आपणे बनावीशुं। अहीं आपेलू छे स दीर्घई अने न, स वत्ता दीर्घई वत्ता न तो सीन, प वत्ता दीर्घई वत्ता र तो पीर, द वत्ता रसोई वत्ता न तो दीन, जीन, स रसो अने ज तो सूच, प रसो अने ज तो पूछ। आम पाना नंबर 27 पूर्ण थाय छे। पाना नंबर 28 पर आपणे आगळ जईशुं। અહીં આપ્યો છે પ્રશ્ન 11, ફકરાનું વાંચન કરી કીડી જેવા ઝીણા ઝીણા અક્ષરે લખો। આ ફકરાનું વાંચન તમારે કરવાનું છે અને આ રીતે કીડી જેટલા ઝીણા ઝીણા અક્ષરે તમારે અહીં લખવાનું છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે તેને વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। મારા આવા બીજા નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકોન પર ઓલ પર સેટ કરો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌ પ્રથમ મળી રહે। એકમ 4 સાથે ફરી એકવાર મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।